देखो मैं फिर कह रहा हूँ, चमार डरता उड़ता नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सदगुरु रविदास जी उनको कह के गए कि सभी पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वो लोग पढ़ाई लिखाई करके क्यों गरीब समाज आगे बढ़ने काम कर रहा है। अगर लड़ने की बात हो तो हमारी आबादी इतनी है, लेकिन हम लड़ना ही नहीं चाहते, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते वो एजुकेशन से खुलेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, ये दहशत का माहौल खत्म हो इसलिए मैं यहाँ हूँ। भारत के बाद एक बार फिर तुगलक के फरमान आ रहे हैं, वो भी दलित समाज को लेकर, तो क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है हमारा देश? देखिए मैंने गुलाम भारत में तो सुना था कि बुनियादी होकर तो ये फरमान जारी होते थे समाज के लिए, लेकिन आजाद भारत में ये मैंने पहली बुनियादी अपने संघर्ष काल में सुनी और मुझे इससे बड़ी तकलीफ। इसमें मेरे दो मत, पहला मत कि पूरे जब इलेक्शन टाइम आता है ना, तो तमाम लोग हमें बताते घूमते कि दलित जो है वो हिंदू, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर ये इस तरह का व्यवहार दलितों के साथ होता है और बड़े पैमाने पे होता है। ये तो वीडियो बन गई है, वरना अगर पुलिस में ये लोग कंप्लेन करते तो पुलिस ही कह देती कि ये झूठ है। मैं समझता हूँ इस तरह की सोच एक व्यक्ति से नहीं, इस सोच से लड़ाई, प्रधानमंत्री जी पैर धोते हैं दलितों के, मुख्यमंत्री दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं, और आज उन्हीं दलितों पे कहा जा रहा है आजाद भारत में जब संविधान है बराबर के अधिकार है कि डोल पे दिख जाएंगे, समाधि पे चले जाएंगे, ट्यूबवेल पे जाएंगे, तो 5,000 रुपये जुर्माना, 50 जूते, कौन मार देगा 50 जूते? जूते मारना तो हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम तो चमड़ा बनाने में जानते हैं। तो मैंने सिर्फ उनको मैं ये बताने के लिए, बाकी काम पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कि ये अन्याय और ये तुगलकी फरमान अब चलेंगे नहीं, आजाद भारत और संविधान है, और इस अन्याय को हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। मैं अपने समाज से ये विश्वास बताने के लिए कि हम लोग हैं यहाँ, और ऐसे लोग अपनी मानसिकता बदलें, ये गुलाम भारत नहीं है, आजाद भारत है, और यहाँ सबको बराबरी के अधिकार है। जो संविधान के विरोध में जाएगा उसको फिर अन्याय करने पे अन्याय सहना भी पड़ेगा, फिर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। शिखर जी, फरमान के बाद से लगातार गांव में दहशत है, जो दलित महिलाएं वो जंगल भी नहीं जा रही है जी, तो क्या लगता है प्रशासन के सोचते रास्ता करनी चाहिए, लेकिन एक भी सिपाही गाँव में नहीं है? मैं अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करूंगा, पहले मैंने समाज से बात की है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, चमार डरता उड़ता नहीं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सदगुरु रविदास जी उनको कह के गए कि सभी पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वो लोग पढ़ाई लिखाई करके क्यों गरीब समाज आगे बढ़ने काम कर रहा है। अगर लड़ने की बात हो तो हमारी आबादी इतनी है, लेकिन हम लड़ना ही नहीं चाहते, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते वो एजुकेशन से खुलेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, ये दहशत का माहौल खत्म हो इसलिए मैं यहाँ हूँ, और मुझे आशा विश्वास है कि मेरे आने के बाद गाँव में दहशत का माहौल खत्म होगा। और मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि जो धमकियां दी जा रही लोगों को, उन धमकी देने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। जैसे एक अभी मुझे जानकारी मिली कि जिस बच्चे ने वीडियो बनाई उसको धमकी दी जा रही है कि उसको देख लेंगे, कौन देख लेगा? ये देखने दिखाने काम हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या कानून कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखिए मुझे अभी, मैं तो अभी गांव में पहुंचा हूं, कानूनी कार्रवाई में वो FIR भी देखूंगा और मैं SSP से बात भी करूंगा, मैं ये भी पूछूंगा सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने किया ये पहला काम नहीं है उसका, उसने पहले भी ऐसे कई तरह के फरमान जारी किए और इस तरह के लोगों को डराने धमकाने काम का दबाव डालने का, और फिर उनका वो एक क्रिमिनल परिवार से भी आते हैं, किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अब मैं वो सब चीजें जानूंगा। मैं बुलडोजर कार्रवाई का भी समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं सोचता हूँ जिसने अपराध किया उसके अंदर कानून का डर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट सवाल ये जी कि लगातार BJP जो हिंदू मुस्लिम लेकर राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का भी सर्वे चल रहा है, तो क्या कहें हमारा देश किस तरह जा रहा है, आखिर क्या फिर दो भागों में देश बंटने जा रहा है? रुपए के जो है ना वो डॉलर के मुकाबले गिरा, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, अन्याय अत्याचार बढ़ा, जुल्म जाति बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इन सब चीजों की आवाज को ये आम जनता तक ना पहुंचे, तो इसलिए BJP के लोग इस तरह की चीजों को इश्यू बना रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा धर्म जो है नफरत सिखाता है? कौन सा भगवान कह रहा है कि जाओ दूसरे धर्म के लोगों को पीटो या उनकी जगह पे जाकर अन्याय अत्याचार करो तो बदल जाएगा? ये एक तरह का प्रोपेगंडा है, क्योंकि असलियत को छिपाना। असलियत ये है कि आज युवा सुसाइड कर रहा है, कोई भर्ती नहीं आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दवाइयों महंगी हो रही है, इस देश में कोरोना काल जैसे मामले आए लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है। फिर उसके बाद लगातार आप देखिए जिस तरह से रुपया, जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते थे कि ये देश का सम्मान है, वो गिरा है। आज हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, 122,000 करोड़ रुपए कर्ज है हमारे ऊपर, हर व्यक्ति पे 2 लाख रुपए कर्ज, तो प्रधानमंत्री भी जानते हैं जवाब देना पड़ेगा, इसलिए इन इशू को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैसा आपने कहा
हिंदुत्व का सच ये है और हिंदू राष्ट्र का सच भी है। मैं तो मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने टेंडर लिया, ठेका लिया है हिंदुत्व का, वो मुझे बताएं कि वो एक हिंदू राष्ट्र से पहले एक हिंदू गांव बना के दिखाएं और उस हिंदू गांव में दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों को क्या अधिकार होंगे, क्या उसका आधार होगा, क्या मापदंड होगा, किनको शिक्षा मिलेगी, किनको रोजगार मिलेगा, किनको जो है तरक्की बिजनेस करने का मौका मिलेगा, उसका भी पैमाना संविधान रखें। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू संविधान भी बनेगा, वो संविधान क्या होगा और उस संविधान में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को क्या अधिकार होंगे, ये भी जरा बताएं। तो पहले मोहन भागवत जी एक गांव बना के दिखाएं हिंदू, और पूरी दुनिया को, पूरे देश को उसका मैसेज देखने को मिले कि हिंदू गांव कैसे होते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे होते हैं। जब भी धार्मिक राष्ट्र बनेगा तो देश टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता मेरा देश टूटे, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ।